हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयरड्रॉप ऑफ इंडिया। एयरड्रॉप ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो कॉइन्स जो आपको बना सकते हैं रिच इस साल के अंत तक। तो मुझे ईडीएस कॉइन, ये आप देख सकते हैं, एंथ्रो ईडीएस एंड डॉर्सेट इसका नाम है। और यहाँ बिटजेट एक्सचेंज में मुझे वोटिंग करने पर ये करीबन 34,000 कॉइन्स मिले थे। मैंने वोटिंग करीबन करता रहता था तो मुझे 34,000 ये कॉइन्स मिले थे। और इसकी प्राइस अभी 4-5 सतोसी के आसपास चल रही है, तो बहुत ही कम इसका अभी प्राइस है। और अगर ये 50-100 सतोसी चला जाता है इस महीने ने, एक दो महीने में तो 30-40 चला ही जाएगा। तो भी अगर आप इसमें $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10x। ये 10x प्रॉफिट ये आपको दे सकता है। और इसका मैं आपको दिखा दूँ, ये बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर, देखिए ये सेल बिट्स लगे हुए हैं, ये बाइंग बाई बिट्स लगे हुए हैं। और मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे करीबन 7-8 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे लॉस भी बहुत हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे करीबन 2.5 BTC, 1.5 BTC, 2.5, 1.5, 4, 5, करीबन 6 BTC का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉइन डिलीस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कॉइन्स के जो प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है करीबन 6 BTC, करीबन यानी कि 30 लाख रुपीज़ INR में हो रहे, 30 लाख रुपीज़ के करीबन उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कि कुछ यूजर्स ने लगाए लेकिन उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कॉइन अगर जैसे आप अभी 4-5 सतोसी में बाई कर लेते हैं, 5 सतोसी और 24-25 सतोसी होने में इसे 1-2 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको बाई करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आपका BTC वगैरह बैलेंस वगैरह हो तो इस कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। ये आपको 10x प्रॉफिट 2 महीने में दे सकता है। मैंने ये कॉइन है ADS, और दूसरा कॉइन है फ्रेंड्स ये कॉइन एक्सचेंज कैनेडी कॉइन। मुझे करीबन एयर ड्रॉप से मुझे 2 लाख रिसीव हुए हैं। और इसमें मैं आपको दिखा दूं, और इसमें फ्रेंड्स मैंने ये अभी 65,000 आए हैं और 1,30,000 आ जाएगा करीबन 5-6 घंटे में। मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया है माई इथर वॉलेट से। बाकी कॉइन्स मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे बाई किए हैं कैनेडी कॉइन, क्योंकि इसमें देखिए ये कैनेडी कॉइन के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको फायदा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं कैनेडी कॉइन में फ्रेंड्स ये इधर सेलिंग ऑर्डर लगी हुई है और इधर बाइंग ऑर्डर लगी हुई है। यहाँ पे अभी टोटल 10 BTC, 10 BTC मीन्स करीबन 50 लाख रुपया का INR का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। यानी कि कैनेडी कॉइन के जो प्रोजेक्ट्स के जो प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे इस कॉइन का इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना बाय ऑर्डर लगा है। तो ये कॉइन अब इसका प्राइस जो है पंप करेगा ही, स्पाइक आएगा ही, जिस ठीक हाइड्रो की तरह। अगर हाइड्रो में हम लोगों ने, आप सोच सकते हैं, $100 का भी इन्वेस्टमेंट किया होता जब वो 1 से 2 या 2-3 सतोसी का मिल रहा था, फिर वो 180 सतोसी को फ्रेंड्स टच करके नीचे आया था और अभी करीबन 100 सतोसी के आसपास वो टच कर रहा है। तो उसी बेस पर फ्रेंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आपके जो बिटकॉइंस हैं, आपका जो अर्निंग हुई है इसमें, आप ये इस कॉइन को बाई करके आप यहाँ पे 10x to 20x प्रॉफिट्स 1-2 महीने में अर्न कर सकते हैं। मेरे करीबन 5.5 लाख कैनेडी कॉइन मुझे हो जाने, 2 लाख एयर ड्रॉप से मिले हैं और बाकी के मैंने यहाँ पे बाई करके रखा है। अभी इसमें 1,30,000 कॉइन्स और होंगे तो 5 लाख टोटल 35,000 कॉइन्स मेरे कैनेडी कॉइन यहाँ पे हैं, जिसमें कि 1,95,000 एयर ड्रॉप से मिले हैं, बाकी के मैंने परचेज किया है। तो
यही सोचा मैंने अपने सब्सक्राइबर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड्स एटीसी कॉइन क्यों डूब रहा है, इसी वजह से डूब रहा है क्योंकि देखिए फ्रेंड मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, ये कैनेडी कॉइन वालों ने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस कॉइन प्रोजेक्ट्स पर, एक तो एक्सचेंज में लिस्ट कराने पर, कॉइन एक्सचेंज बहुत बड़ा एक्सचेंज है, आप देख सकते हैं कितने यहाँ सारे यहाँ पे कॉइन्स लिस्टेड है, करीबन बहुत से कॉइन्स यहाँ की यहाँ ट्रेडिंग होती है, इतने बड़े एक्सचेंज में उन्होंने लिस्ट किया, उसका अलग पैसा लगता है, फिर देखिए बाइंग ऑर्डर कितना का लगा हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स एटीसी कॉइन जो इंडिया का है वो एटीसी कॉइन वो स्पाइक नहीं कर रहा, आगे नहीं कर रहा, और उसके प्रोजेक्ट्स में भी बहुत से खामियां हैं। एटीसी प्लस कॉइन है तो हो कैसे है, तो बहुत सारे एक्सचेंज चला रहे हैं, वो एक एटीसी एक कॉइन को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो डूब गया हमारा। मैं करीबन एटीसी कॉइन से ही इस इंडस्ट्री में आया था, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। मेरे जो अभी 182 कॉइन्स एटीसी कॉइन्स आज मिलते हैं, वो उसकी वैल्यू अभी 85-90 रुपया है, यही कारण है फ्रेंड्स। खैर वो सब छोड़िए, जो है उसको बचाया जाए और उसको मैनिपुलेट किया जाए। तो फ्रेंड्स कनाडी कॉइन और बीडजेड एक्सचेंज में जो है, ये बीडजेड एक्सचेंज में एडीएस, इन दो कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे विचार सब सहमत हो तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करें। खैर आप जैसा ठीक समझे, आपका जैसा एक्सपीरियंस हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप में।